हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ ओरिजिन कोचिंग। आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ का मैथमेटिक्स। कैलकुलस में हम पढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का आज हमारा नेक्स्ट पार्ट है। टेंथ नंबर के पार्ट में अपन पहुंच गए हैं और अभी हम कर रहे हैं पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड इंटीग्रेशन। जैसा आपने यदि हमारा पूरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा ध्यान से, तो मैं इंटीग्रेशन को पार्ट पार्ट में आपको बता रहा हूँ। हर पैटर्न के इंटीग्रेशन को एक अलग सेपरेट वीडियो में आपको बता रहा हूँ। तो आज हम इंटीग्रेशन के पार्शियल फ्रैक्शन को दूसरे पार्ट में पढ़ रहे हैं। एक पार्ट मैंने पहले बना चुका है और मैं आपको बताया था कि हम एक सेकंड पार्ट लेंगे जिसमें कुछ स्पेशल टाइप के क्वेश्चन को कवर करेंगे। तो आज मैं जो क्वेश्चन लेके आया हूँ इंटीग्रेशन का, वो कुछ डिफिकल्ट टेबल के हैं, डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न के हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बोर्ड एग्जाम के साथ साथ ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी इंपॉर्टेंट है। तो बहुत ध्यान से सभी क्वेश्चन को आप देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का कलेक्शन है ये आपके लिए आगे बहुत ज़्यादा यूजफुल रहेगा। चलिए, तो मैं आज डिफरेंट डिफरेंट टाइप के पार्शियल फ्रैक्शन सेलेक्ट करता हूँ, जिसमें आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर। 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू और माइनस टू, x प्लस टू होल स्क्वायर dx। देखो इस क्वेश्चन में आपको नया क्या दिख रहा है पहले के क्वेश्चन के कंपैरिजन में, यहाँ पर x प्लस टू का होल स्क्वायर है। अभी तक हमने जो क्वेश्चन किया था आंशिक भिन्न का, पार्शियल फ्रैक्शन का, उसमें किसी भी एक फैक्टर का पावर वन होता था, उससे ज़्यादा नहीं होता था। तो इसको किस तरह से तोड़ते हैं पार्शियल फ्रैक्शन में, ये हमको देखना है। तो सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं। लेट माना कि 3x माइनस वन अपॉन x प्लस टू का होल स्क्वायर, दैट इक्वल ये हो जाएगा a अपॉन x प्लस टू। ये ध्यान रखना, सबसे पहले a अपॉन x प्लस टू पर, उसके बाद जब b अपॉन करेंगे तो x प्लस टू का होल स्क्वायर। दैट मीन्स यहाँ पर क्या करते हैं अपन, पावर जो होता है पावर वन से लेकर डिक्रीज करते जाते हैं। सपोज पावर थ्री होता तो सी अपान एक्स प्लस टू का पावर थ्री लिखते, फोर होता तो फोर लिखते, मतलब एक एक पावर को डिक्रीज करते करते, पावर को एक एक घटाते घटाते अपन आगे लिखते जाते हैं। आगे का प्रोसेस पहले जैसे है, इसको हमको वन करना है, तो इसको वन करने के लिए हम क्या करेंगे, पूरे रिलेशन में x प्लस टू का होल स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो देयर फोर ये हो जाएगा 3x माइनस वन इक्वल, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कटेगा और एक बचेगा, x प्लस टू प्लस ये हो जाएगा b। अब यहाँ से हमको बारी बारी इसको क्या करना है, जीरो करना है। तो देखो सबसे पहले हम यहाँ पर इसको जीरो करते हैं a को। तो इफ़ एक्स इक्वल टू माइनस टू, देन हमने क्या किया, x इक्वल टू माइनस टू रखा, यहाँ माइनस टू रखेंगे तो टू इंटू थ्री इंटू माइनस टू माइनस सिक्स और ये माइनस सेवन हो जाएगा। देन माइनस सेवन इक्वल टू, यहाँ ये जीरो हो जाएगा माइनस टू रखने पर और b बचेगा, तो यहाँ से हमको b का वैल्यू फाइंड हो जाएगा, ये है b इक्वल टू माइनस सेवन। ओके, अब हम देखो b का वैल्यू फाइंड कर लिए, अब a का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो a का वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके पास तो जीरो करने को कुछ है नहीं, वो कांस्टेंट है, तो ऐसे कंडीशन में हम x इक्वल टू जीरो रख लेते हैं। क्लियर, नाउ x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू यदि हम जीरो रख लें तो क्या मिलेगा, यहाँ जीरो हो जाएगा तो लेफ्ट साइड में बचेगा माइनस वन, यहाँ जीरो रखेंगे तो क्या बचेगा, टू ए, ये हो जाएगा टू ए प्लस बी। अब यहाँ पर हमको बी का वैल्यू ऊपर से ला के पुट करना है, देयर फोर माइनस वन इक्वल टू टू ए माइनस सेवन, देयर फोर ये माइनस सेवन यहाँ आके प्लस सेवन होगा और इसके साथ में प्लस होके वो हो जाएगा सिक्स, फिर टू डिवाइड होगा थ्री होगा, तो मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ इसका वैल्यू a इक्वल टू थ्री। आसान है, वर्क वही करना है, a इक्वल टू थ्री। इस तरह से a और b का वैल्यू जब अपने को फाइंड हो जाएगा तो दोनों वैल्यू को यहाँ पर पुट अप करेंगे, तो इस पार्शियल फ्रैक्शन को हम किस रूप में लिख सकते हैं, देखिए देयर फोर थ्री एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल, a का वैल्यू कितना है थ्री, तो हो जाएगा थ्री अपॉन एक्स प्लस टू और ये है माइनस, तो माइनस सेवन यहाँ पर पुट कर देंगे, माइनस सेवन एक्स प्लस टू का पावर टू, ये हमने पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक कर दिया। पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करने के बाद हम क्या करेंगे, उसका इंटीग्रेशन करेंगे। तो देयर फॉर आई इक्वल टू, आई का वैल्यू इंटीग्रेशन ऑफ इतना है, तो आई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन एक्स प्लस टू माइनस
सेवन अपॉन एक्स प्लस टू होल स्क्वायर डी एक्स, ये होगा। अलग अलग इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो इंटीग्रेशन ऑफ थ्री अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेवन एक्स प्लस टू का पावर टू डी एक्स। अब इंटीग्रेशन क्या होगा, देखो थ्री कांस्टेंट है, थ्री बाहर आ जाएगा और वन अपॉन एक्स प्लस टू का इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग एक्स प्लस टू। ये सब आप पीछे बहुत कर चुके हो, तो लॉग एक्स प्लस टू माइनस सेवन कांस्टेंट आ जाएगा। और यहाँ पर यदि हम इसको टी सपोज करके ऊपर ले जाएं तो टी टू द पावर माइनस टू होगा, उसको उसी फॉर्म में हम इंटीग्रेशन कर दें तो हो जाएगा एक्स प्लस टू का पावर एन माइनस वन, माने माइनस टू प्लस वन अपॉन माइनस टू प्लस वन, और ये हो जाएगा प्लस सी। दैट इक्वल ये थ्री लॉग एक्स प्लस टू माइनस वन, माइनस वन आएगा, माइनस माइनस सेवन हो जाएगा और ये सेवन, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स का पावर माइनस वन, जिसको हम लिख सकते हैं वन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी। दिस इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर मैं आपको नया बात सिर्फ यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन को ब्रेक करना बताया, आपको पार्शियल फ्रैक्शन वाले कॉन्सेप्ट में मैं बार बार याद दिला रहा हूँ कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट है उसको आंशिक भिन्न में तोड़ना, उसके बाद उसको समाकलन करना, तो एक लाइन का काम होता है। देखो समाकलन तो लास्ट स्टेप में अपन करते हैं, ओके। तो ये है क्वेश्चन, इसको आप ध्यान से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप बनाइए अपने नोटबुक पर, ओके। आंसर है थ्री लॉग एक्स प्लस टू प्लस सेवन अपॉन एक्स प्लस टू प्लस सी, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लेने का मैं आज कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपको हर तरह के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा सकूँ। बस आप लोग सिमिलर टाइप के क्वेश्चन के अपने बुक से और प्रैक्टिस करेंगे। थ्री साइन एक्स माइनस टू कॉस एक्स आई इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ थ्री साइन एक्स माइनस टू, थ्री साइन एक्स माइनस टू और ब्रैकेट के बाहर में कॉस एक्स अपॉन, ये बेस्ट क्वेश्चन है, फाइव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स। जनरली मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन आपको कवर कराता हूँ, ये आपको मालूम है, एनसीईआरटी के सेलेक्टेड ऐसे क्वेश्चन, एनसीईआरटी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है हर बोर्ड एग्जाम के लिए और साथ ही साथ कंपटीशन के लिए। यदि आप सीबीएसई के स्टूडेंट हैं या फिर किसी भी स्टेट बोर्ड के हैं, तो सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में सभी राइटर ने एनसीईआरटी के क्वेश्चन को फॉलो किया है, तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन है सब और अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन आपको सेलेक्ट करके मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए ये क्वेश्चन देखने के बाद एकाएक आपको नहीं लगेगा कि इसको हमको पार्शियल फ्रैक्शन से बनाना है, लेकिन ये आफ्टर सब्स्टिट्यूशन पार्शियल फ्रैक्शन है, मतलब प्रतिस्थापन के बाद आप उसको आंशिक भिन्न में तोड़ोगे। तो यहाँ पर देखो ऑब्जर्वेशन से पता चलता है, वैसे बेस्ट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन में शामिल कर सकते हैं अपन इसको। सबसे पहला काम तो ये कि साइन कॉस है, तो साइन को यदि हम टी सपोज करें तो कॉस एक्स डी एक्स क्या होगा, सब्स्टिट्यूट होगा। लेकिन यहाँ पर कॉस और साइन दोनों हैं, तो पहला काम हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम हम इसको साइन में चेंज करेंगे, ताकि डिनोमिनेटर में क्या हो, पूरा साइन साइन हो, ठीक है। तो दैट इक्वल इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, पहले सिंप्लीफाई कर लें, ये हो जाएगा थ्री साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स, ये हो गया, और अपॉन फाइव माइनस कॉस स्क्वायर एक्स को लिख दिया हमने वन माइनस साइन स्क्वायर एक्स और माइनस फोर इंटू साइन एक्स डी एक्स, क्लियर, ये हो जाएगा। दैट इक्वल इसको और हम सरल कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो थ्री साइन एक्स माइनस टू इंटू कॉस एक्स अपॉन फाइव, अंदर मल्टीप्लाई करें इसका, और मैं उसको सॉल्व करके डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप थोड़ा ध्यान देना, ठीक है, एक स्टेप हम बचा रहे हैं यहाँ पर। माइनस का माइनस के साथ मल्टीप्लाई होगा, प्लस हो जाएगा, और उसको मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर एक्स, क्लियर। इसके बाद यहाँ पर देखो, इसको पहले लिख दिया माइनस फोर साइन एक्स, उसके बाद कांस्टेंट को लास्ट में, तो यहाँ पर फाइव का इसके साथ में मल्टीप्लाई होगा, तो कितना आएगा, फाइव। अच्छा यहाँ पर फाइव माइनस है ना, मल्टीप्लाई क्यों, माइनस का मल्टीप्लाई होगा, बस माइनस के साथ प्लस हो गया, ये माइनस वन होगा, तो फाइव माइनस वन कितना हो जाएगा, प्लस फोर,
इंटू डी एक्स, तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस फोर साइन एक्स प्लस फोर। अब यहां पर हम सब्सटीट्यूट करेंगे, इसके बाद क्या सब्सटीट्यूट करेंगे देखो, नाउ पुट, अब यहां पर पुट करते हैं साइन एक्स इक्वल टू टी, और इसका हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी। इस तरह से कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी हो जाएगा। अब इसको यदि हम सब्सटीट्यूट कर दें यहाँ पर क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा, देयर फोर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, आप देखो थ्री साइन एक्स माइनस टू, तो थ्री टी माइनस टू, थ्री टी माइनस टू इंटू कॉस एक्स डी एक्स, ये कॉस एक्स और डी एक्स क्या बन चुका है, डी टी बन चुका है, ये डी टी हो जाएगा अपॉन, यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्या, टी स्क्वायर माइनस फोर टी प्लस फोर, देखो इस फॉर्म में आ गया। अब हम नीचे को क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, वर्ग समीकरण है, उसको हम स्प्लिट कर देते हैं, दो पार्ट में तोड़ के गुणनखंड कर लेते हैं, फैक्टराइज कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ये थ्री टी माइनस टू इंटू डी टी अपॉन, इसको हम ब्रेक करें तो टी स्क्वायर माइनस, इसको लिख सकते हैं माइनस टू टी माइनस टू टी प्लस फोर, दैट इक्वल थ्री टी माइनस टू डी टी अपॉन, यहाँ से हम t को कॉमन करें तो हो जाएगा t माइनस टू, और यहाँ से माइनस टू को कॉमन करें तो यहाँ पर हो जाएगा t माइनस टू। वैसे वो उसको इतना करने की ज़रूरत नहीं था, वो एक्चुअल में t माइनस टू का होल स्क्वायर है वो, चलो मैं वाच नहीं कर पाया उसको, डायरेक्ट लिखते हैं अपन, इस ऐसा भी बनेगा लेकिन ऐसा लेंदी करने की ज़रूरत नहीं था उसको, आप देख रहे होंगे उसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है, ये क्या है t माइनस टू का होल स्क्वायर है, तो दैट इक्वल ये हो जाएगा थ्री टी माइनस टू डी टी अपॉन, ये है t माइनस टू का होल स्क्वायर, t माइनस टू का होल स्क्वायर उतना ही होगा। अब इसके बाद हम यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन करना शुरू करेंगे, जैसा भी मैंने पीछे बताया उसी के पैटर्न पर अब ये चलेगा। नाउ लेट थ्री टी माइनस टू अपॉन t माइनस टू होल स्क्वायर, दैट इक्वल क्या हो जाएगा ये a अपॉन t माइनस टू प्लस b अपॉन t माइनस टू होल स्क्वायर, क्लियर। अभी मैंने बताया आपको पिछले क्वेश्चन में कि यहाँ जो पावर होता है इस प्रकार से ब्रेक करते हैं, बाकी का काम बिल्कुल वैसी है, अब आगे आगे हो जाएगा, चलिए बता देता हूँ मैं। अब यहाँ पर नाउ पुट, यहाँ पर हम पुट करते हैं क्या, पहले तो मल्टीप्लाई कर लें, ये मल्टीप्लाई करो पूरे इक्वेशन में, तो 3t टी माइनस टू इक्वल, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो a t माइनस टू होगा, और प्लस b ये तो कैंसल आउट हो जाएगा। अब सबसे पहले हम रखते हैं इफ t इक्वल टू टू, देन t इक्वल टू रखेंगे जीरो होगा, यहाँ पर थ्री टू जो सिक्स माइनस टू कितना होगा फोर, तो फोर इक्वल टू यहाँ पर बचेगा b, तो b का वैल्यू फोर हो गया, एंड इफ t इक्वल टू जीरो, देन यहाँ जीरो होगा तो माइनस टू इक्वल, ये जीरो होगा तो माइनस टू ए माइनस टू ए प्लस बी, यहाँ पर हम बी का वैल्यू पुट कर देंगे फोर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, दैट इम्प्लाइज, ध्यान देना यहीं पर लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट सॉल्व करके लिख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना, बी का वैल्यू अपन फोर पुट अप करेंगे, एक बार लिख दें माइनस टू इक्वल माइनस टू ए और बी का वैल्यू प्लस फोर, दैट इम्प्लाइज जगह कम हो गया यहाँ पर, लिख देता हूँ उतना समझ में आ जाएगा, प्लस बी का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दिया फोर, ध्यान देना अब फोर इधर आएगा माइनस सिक्स होगा, माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा तो सिक्स में टू डिवाइड होगा, ए इक्वल टू थ्री हो जाएगा, ए इक्वल टू थ्री, ये ध्यान रखना। तो ए और बी का वैल्यू हमने फाइंड कर लिया, बी इक्वल टू फोर और ए इक्वल टू थ्री, थोड़ा सा पार्ट बचा है यहीं पर मैं इसको मूव करके लिख देता हूँ।
इसी पोर्शन पर। अब देखो ये हमारा पार्शियल फ्रैक्शन, हमने इसको ब्रेक किया था तो क्या हो जाएगा, देखो देयरफॉर 3t माइनस 2 अपान है, ये पार्शियल फ्रैक्शन है तो 3t माइनस 2 अपान t माइनस 2 का होल स्क्वायर, 3t माइनस 2 अपान t माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल a अपान t माइनस 2, वैल्यू ऑफ a इज 3, तो हो जाएगा 3 अपान t माइनस 2 और b का वैल्यू है 4, तो प्लस b अपान t माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। Therefore I equal to, क्योंकि ये I का वैल्यू है, ये है इंटीग्रेशन करेंगे तो जो हमने पीछे सपोज किया था ये इसका वैल्यू है, ये जो हमने पीछे सपोज किया था उसका वैल्यू है, तो I equal to मतलब डायरेक्ट आपको इंटीग्रेशन आप करके लिखना है, इंटीग्रेशन ऑफ I equal to क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन को एक बार अपन पुट अप कर देंगे उसके बाद इंटीग्रेशन करेंगे। T हमने क्या सपोज किया था, साइन x को, t इक्वल टू कॉस एक्स को किया है शायद ना, एक मिनट, हमने साइन एक्स को t सपोज किया है, तो चाहे तो हम यहां पर t के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं और नहीं तो सब्स्टिट्यूशन को हम रखने के बाद इंटीग्रेट कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन को अपन बाद में रखेंगे, पहले हम टी के रेस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो हो जाएगा 3 अपॉन टी माइनस 2, क्योंकि यहाँ पर देखो ये जो सब्स्टिट्यूशन हमने किया है इस सब्स्टिट्यूशन में लिखा क्या है, देखो ये डी टी लिखा है, तो टी के रेस्पेक्ट में इसको हम पहले इंटीग्रेट कर देते हैं, ठीक, कैसे भी लिखने का तरीका आप कैसे भी लिख सकते हो, लास्ट में पुट करना ज़्यादा आसान होता है, प्लस बी का वैल्यू, सॉरी बी का वैल्यू मैंने पुट नहीं किया, 4 अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर, इसका हो जाएगा होल इंटीग्रेशन डी टी, दैट इक्वल इंटीग्रेशन ऑफ 3 अपॉन टी माइनस 2 डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 4 अपॉन टी माइनस 2 होल स्क्वायर डी टी, बाकी इंटीग्रेशन आप समझ चुके हैं, ये हो जाएगा 3 लॉग t माइनस 2 और प्लस ये 4 को बाहर कर दिया, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा t माइनस 2 टू द पावर माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, ये अभी किया हूँ इंटीग्रेशन और प्लस c, इंटीग्रेशन होने के बाद कांस्टेंट आप लिख दोगे, दैट इक्वल टू 3 लॉग t माइनस 2 ये माइनस होगा तो माइनस 4 और 1 अपान हो जाएगा ये t माइनस 2 प्लस c, दैट इक्वल, अब हम वैल्यू को पुट अप कर देते हैं, t का वैल्यू हमने सपोज किया था क्या sin x, यहाँ पर फाइनल आंसर अब क्या हो जाएगा, देखो दैट इक्वल 3 log sin x माइनस 2 माइनस 4 अपान sin x माइनस 2 प्लस c, दिस इज फाइनल आंसर, ठीक। एक बार अपन एनसीईआरटी बुक से आंसर टेली कर लें, क्योंकि कभी मिस्टेक होने के चांस में अपन आंसर आया इसका, थ्री लॉग टू माइनस साइन एक्स प्लस फोर अपन प्लस सी, आंसर में प्लस माइनस थोड़ा डिफर कर रहा है, यहाँ पर उसने टू माइनस साइन एक्स लिखा है और यहाँ पर 2 माइनस साइन एक्स प्लस सी, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि माइनस को मैं कॉमन करूँ तो वही हो जाएगा वो, ठीक है, माइनस को मैं कॉमन कर दूँ तो वही हो जाएगा, कहीं पर माइनस तो अपन मिस्टेक नहीं किए हैं, एक मिनट चेक कर लेता हूँ मैं इसको, t माइनस 2 होल स्क्वायर t इक्वल टू 2 रखा 0 बी 3 टू जा 2 3 टी माइनस 2 माइनस टी माइनस 2 ही है ना, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन तो गड़बड़ नहीं लिख लिया था मैंने, टी माइनस 2 का होल स्क्वायर,
ठीक है, आंसर सही है, वो प्लस माइनस का कोई फर्क नहीं पड़ता उसमें। ओके चलिए, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। इसको मैं एक बार आपको कंबाइन करके फाइनल सिचुएशन को दिखा देता हूँ लास्ट बोर्ड पर, बाकी आप तो समझ चुके होते हैं उसको। ये मिनिमाइज करने का मतलब ये है कि आप एक साथ उसको लास्ट पेज में पा सकते हैं ऐसा, हालांकि राइटिंग थोड़ा छोटा हो जाता है। तो ये फाइनल कैलकुलेशन है इसका, ठीक है। पार्ट पार्ट में उसको मैं पढ़ाए रहता हूँ, आप तो उसको नोटबुक में से सॉल्व करेंगे, हर पार्ट का वीडियो आप उसको देखते हुए आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन फाइनल पेज में यदि संभव होता है तो उसको मिनिमाइज़ करके, क्योंकि इस बोर्ड में ऐसी फैसिलिटी है, एक साथ मैं बता दिया तो आप उसको थोड़ा सा जूम करके देख सकते हैं, एक साथ आपको मिल जाएगा। ओके, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। यहाँ पर CBSE के बुक में क्या है, यहाँ प्लस दिया है तो माइनस को कॉमन कर सकते हैं। ये मार्ड में होता है तो साइन एक्स माइनस टू लिखो, चाहे टू माइनस साइन एक्स लिखो, सब सही है, कन्फ्यूज मत होना उसमें। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपन सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन ले लें इसके कौन सा पैटर्न ले लें, एक और पैटर्न लेता हूँ, 5x/(x+1)(x²+9)। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि पार्शियल फ्रैक्शन के जितने तरीके होते हैं वो मैं आपको कवर करा सकूँ। 5x/(x+1) और ये अंडर ब्रैकेट है (x²+9)dx। देखो इस क्वेश्चन में क्या नया बात है, क्या नई बात है, देखो ये तो आपको पता है अपान। अब यहाँ पर एक ऐसा फैक्टर है जिसका फैक्टराइज नहीं हो सकता क्योंकि प्लस है। यदि ये माइनस रहता तो एक ब्रैकेट में अपन (x-3) लिखते हैं और दूसरे में (x+3) लिखते हैं उसको गुणनखंड तोड़ के। लेकिन (x²+9) मतलब (x²+a² का गुणनखंड नहीं टूटता है, अलजेब्रा में आपको पता है। तो इसको पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ने का एक नया तरीका होता है। बेसिकली हम आपको हर क्वेश्चन में पार्शियल फ्रैक्शन तोड़ने के नए नए तरीके को बता रहे हैं। इंटीग्रेशन तो कॉमन चीज जो आप पहले पढ़ चुके हो, मेन बात है यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे उसको। ओके चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरह से इसको ब्रेक करते हैं। नाउ पुट 5x/(x+1)(x²+9)=। इसको कैसे लिखते हैं, देखो a अपान पहला फैक्टर लिखोगे, a अपान (x+1) और प्लस। यहाँ ध्यान रखना एक नई बात यह है यहाँ पर कि यहाँ पर आपको क्या करना है, जिसका फैक्टर नहीं टूटता उसके लिए जो आप सपोज करोगे उसको ऐसे सपोज करोगे (bx+c) ऐसा सपोज करोगे और (x²/9) जिसका गुणनखंड नहीं टूटता, जो फैक्टराइज नहीं होता, उसके न्यूमरेटर में उसके अंश में (bx+c) या आगे बढ़ चुके हैं तो (cx+d) इस प्रकार से सपोज किया जाता है। अब बाकी काम वैसे ही जैसे हमको करना है, दैट इम्प्लाइज पूरा रिलेशन में इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ बचेगा 5x = a (a)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 (a
यहाँ पर बी एक्स प्लस सी और इसके साथ ब्रैकेट में बचेगा x प्लस वन। यहाँ पर a और b का वैल्यू निकालना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वर्क होता है, जिसको थोड़ा ध्यान से समझना, ठीक है। इसको मैं देखो यहाँ से अपने तरीके से आसानी से मैं इसको तोड़ रहा हूँ, थोड़ा सा आप स्पेशल केयर करना। सबसे पहले हम किसी ऐसे फैक्टर को जीरो कर दें जिसमें किसी दूसरे का वैल्यू निकल जाए, तो आसानी से हमको यहाँ दिखाई दे रहा है यदि x इक्वल टू मैं माइनस में रखूँ, काम को आसान करते जाते हैं। x इक्वल टू यदि यहाँ पर मैं माइनस में रख दूँ तो इसके साथ क्या हो जाएगा, कैंसल आउट होकर जीरो हो जाएगा, और इसके जीरो होने से ये पूरा जीरो हो जाएगा और हमको a का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो हमने लग दिया x इक्वल टू क्या, माइनस वन। देन यदि हम x इक्वल टू माइनस वन रख दिए तो x इक्वल टू माइनस वन रखने से क्या होगा, देखो ये हो जाएगा माइनस फाइव इक्वल a इंटू माइनस वन रखा तो माइनस वन का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस वन हो जाएगा, और नाइन प्लस वन हो जाएगा टेन, तो ये हो जाएगा 10, डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको मैं, और ये इसके रखने से क्या हो गया, ये जीरो हो गया। देयरफॉर यहाँ से a इक्वल टू 10 को इधर ट्रांसफर करेंगे तो माइनस वन बाई टू, ये a का वैल्यू है, ये ध्यान रखना, a का वैल्यू हमको निकल गया। अब क्या करते हैं, देखो अब b का वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास क्या तरीका है, एक आसान तरीका है कि b के वैल्यू को निकालने के लिए हम, तरीके बहुत है, थोड़ा आसान तरीके का सोचना होता है। यदि हम उसको जीरो रख दें, b को जीरो रख दें तो वहाँ से जीरो c
और यहाँ से a आ जाएगा, c का वैल्यू निकल जाएगा, ठीक है। तो यदि हम क्या रख दें, इफ़ x इक्वल टू जीरो, थोड़ा सोचना पड़ेगा उसको आपको किसको क्या रखूँ मैं। तो x इक्वल टू जीरो रख रहा हूँ मैं, x इक्वल टू जीरो रखने पे क्या होगा, देखो बाएं पक्ष में इसके साथ जीरो हो के जीरो हो जाएगा, दैट इक्वल, ध्यान देना, यहाँ जीरो रखूँगा जीरो हो गया तो कितना होगा, नाइन है, ये हो गया नाइन है, यहाँ जीरो रखूँगा तो ये बी जीरो हो जाएगा लेकिन c नहीं होगा जीरो, ये बचा रहेगा और ये जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, प्लस c। लेकिन हम a का वैल्यू निकाल चुके हैं तो ऊपर से हम a का वैल्यू यहाँ पर पुट अप कर सकते हैं, तो जीरो इक्वल टू हो जाएगा नाइन इंटू माइनस वन बाई टू प्लस c, देयरफोर यहाँ c का वैल्यू नाइन अपॉइंट टू, यहाँ जाके प्लस हो जाएगा तो c का वैल्यू अपने को मिल जाएगा नाइन अपॉइंट टू, ये हो गया c का वैल्यू। अब जब हमको a और C दोनों का वैल्यू पता चल जाएगा तो B का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर B का कोफिशियंट क्या है, X है, और B का कोफिशियंट X है, और यदि हम इसका इसके साथ में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो बी एक्स ही रहेगा, तो दोनों साइड से X के कोफिशियंट का तुलना करते हैं। नाउ कंपेयर कोफिशियंट ऑफ एक्स, के कोफिशियंट का हम कंपेयर करते हैं, तो इस साइड में एक्स का कोफिशियंट कितना है, फाइव है, तो लेफ्ट साइड में, ये नया तरीका है आपको बता रहा हूं मैं, जब ऐसा एक्स का वैल्यू रखने से कोई जीरो ना हो तो एक्स के कोफिशियंट मतलब उसके गुणांक का हम तुलना करते हैं। तो बाएं पक्ष में आप देखो, बाएं पक्ष में एक्स का जो कोफिशियंट है वो कितना है, फाइव है, तो मैंने फाइव लिख दिया, और राइट साइड में एक्स का कोफिशियंट, यह तो एक्स स्क्वायर है तो इसका तो कोई काम ही नहीं है। एक्स का कोफिशियंट क्या क्या होगा, देखो यहां पर जब बी का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो इसका कोफिशियंट एक्स का क्या होगा, बी होगा, लेकिन साथ ही साथ यहां पर देखो जब सी का एक्स के साथ में मल्टीप्लाई होगा तो उसका भी कोफिशियंट क्या होगा, एक्स का सी होगा, तो आएगा बी प्लस सी होगा, बी प्लस सी होगा, देयर फॉर फाइव इक्वल सी कैसे होगा, समझ में आया ना, सी का एक्स के साथ मल्टीप्लाई होगा तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, वो सी एक्स होगा, तो एक्स का कोफिशियंट सी भी तो आ गया वहां पर, तो बी भी आएगा सी भी आएगा, तो बी प्लस सी। ओके, अब यहाँ पर b प्लस सी, तो हमको हमने वैल्यू निकाल लिया है किसका, c का, इसको यहाँ पर लाके पुट अप कर देते हैं, तो b प्लस सी का वैल्यू 9/2 पुट अप करेंगे तो b इक्वल टू 5 माइनस 9/2, देयर फॉर b इक्वल टू 10 माइनस 9, ये 9 है ना, 10 माइनस 9 कितना होगा 1, तो 1/2 ये निकल जाएगा b का वैल्यू 1/2। इस तरह से a का वैल्यू माइनस 1/2, b का वैल्यू 1/2 और सी का वैल्यू 9/2, ठीक है। पार्शियल फ्रैक्शन इसमें जो आएगा ए का वैल्यू, अब देखो हमने ए बी सी का वैल्यू फाइंड कर लिया तो उसको हम यहां पर अब पुट अप करेंगे, ठीक है, 5x/(x+1) x²+1, नेक्स्ट पेज में ही चले जाते हैं अपन। वहां पर लिखूं तो बन जाएगा, क्योंकि थोड़ा एक जगह लिखने से ठीक रहता है, इसको थोड़ा सा मूव कर रहा हूं मैं, ज्यादा नहीं, ये चलिए, तो ये क्लियर दिख रहा है आपको। अब यहां पर हमको वैल्यू को पुट अप करना है तो क्या होगा, देखो देयरफॉर 5x/(x+1) एंड x²+9 इक्वल a/(x+1), तो a का वैल्यू अपने पास क्या है, -1/2, तो हो जाएगा -1/2 x+1, और प्लस bx+c है यहाँ पर, तो b का वैल्यू 1/2, तो 1/2x प्लस c, और c का वैल्यू है 9/2, और अपान में क्या है, x²+9, ऐसा पुट अप करना पड़ेगा। यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, फिर नेक्स्ट पेज में अपन इंटीग्रेशन करेंगे, तो दैट इक्वल, ये तो ऐसे ही रहेगा, -1/2 x+1 प्लस, अब यहाँ ध्यान देना,
टू एलसीएम आएगा और टू एलसीएम आके नीचे आ जाएगा, तो उसको मैं नीचे कर दिया, टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और ऊपर में क्या हो जाएगा, एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन ये वाला पोर्शन होगा। ओके, तो वन अपान, अब हमको इसको इंटीग्रेशन करना है आई इक्वल टू, तो एक बार पीछे के पेज से देखना पड़ेगा मुझे, फाइव एक्स अपान एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, चलो देखो, देयरफॉर आई इक्वल टू, अब हम लिखते हैं डायरेक्ट आई इक्वल टू, देयरफॉर आई इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या है ये, माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस वन, वन अपॉन टू एक्स प्लस वन प्लस वो है नाइन प्लस एक्स ना, एक्स प्लस नाइन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन, एक्स प्लस नाइन अपॉन टू एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। अब हमको इसका इंटीग्रेशन करना है, ये होगा टोटल इंटीग्रेशन का, इस तरह से हमने पार्शियल फ्रैक्शन में इसको ब्रेक कर लिया। चलो अब किस फॉर्म में आएगा ये, यहाँ इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान देना, इंटीग्रेशन आप माइनस वन अपॉन टू को मैं बाहर कर लिया तो वन अपॉन एक्स प्लस वन का डी एक्स होगा, प्लस इसको हम अलग अलग करते हैं तो हो जाएगा वन अपॉन टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डी एक्स, और प्लस इसका अलग से इंटीग्रेशन करें फिर तो वन अपॉन टू इसके साथ भी होगा, ये टू तो दोनों के साथ है, और वो हो जाएगा नाइन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन का डी एक्स। क्लियर, दैट इक्वल, अब इंटीग्रेशन करो तो माइनस वन अपॉन टू ये हो जाएगा लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन टू। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर यदि एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को मैं टी सपोज करूँ, यहाँ पर मैं रफ में इंटीग्रेशन करके आपको बता देता हूँ, लिखूँगा मैं डायरेक्ट उसको, तो ये हो जाएगा एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डी एक्स। यदि हम एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को टी सपोज करें तो टू एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, डी टी, मतलब यहाँ से इसको हटा दूँ तो डी टी बाई टू हो जाएगा, एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो ये हो जाएगा वन अपॉन टू ये डी टी और एक्स स्क्वायर प्लस नाइन इसको आपने टी सपोज किया है तो वन अपॉन टू डी टी बाई टी होगा, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ ना उसको, तो इसलिए मैं कर रहा हूँ, तो वन अपॉन टी लॉग टी हो जाएगा, इतना इंटीग्रेशन आपको पहले से पता है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, तो वन अपॉन टू इसका है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा वन अपॉन टू लॉग टी माने वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस नाइन। इतना समझना भाई आप लोग ना, क्योंकि इतना इंटीग्रेशन आप पहले यहाँ करोगे तो बहुत लेंदी वर्क हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस नाइन को हमने टी सपोज किया तो इसका लॉग हो जाएगा, तो वन अपॉन टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन डायरेक्ट लिख दिया उसको मैंने। क्लियर है, समझ में आ गया, और आप इतने बड़े क्वेश्चन में डायरेक्ट लिख सकते हैं, यदि उतने पार्ट पार्ट का इंटीग्रेशन करेंगे तो 30-40 स्टेप चला जाएगा आपका तो क्वेश्चन, ठीक है। इसके बाद देखो प्लस वन अपॉन टू ये हो जाएगा वन अपॉन ए टेन इनवर्स टी अपॉन ए, तो वन अपॉन ए वन अपॉन थ्री इंटू टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए होता है, तो एक्स का वैल्यू यहाँ पर एक्स है और ए का वैल्यू क्या है थ्री है प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इक्वल इसको माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन प्लस वन अपॉन फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, और प्लस ये हो जाएगा वन अपॉन सिक्स टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री प्लस सी, दिस इज फाइनल आंसर। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बड़ा क्वेश्चन था, एक बार मैं इसका आंसर टेली कर लूँ, पार्शियल फ्रैक्शन पर बेस्ड है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। माइनस वन अपॉन टू लॉग एक्स प्लस वन, वन अपॉन फोर लॉग एक्स स्क्वायर प्लस नाइन, प्लस थ्री अपॉन टू टेन इनवर्स एक्स अपॉन थ्री, थ्री अपॉन टू नाइन अपॉन टू, ओह एक मिस्टेक किया मैं यहाँ पर, यह नाइन को लिखना भूल गया, वही सोच रहा हूँ आंसर में मिस्टेक कैसे आ गया। चलिए इसको देखिए, ये नाइन अपॉन होगा ना, मतलब इसके साथ मैं इसको नाइन लिख दूँ, ओह आंसर यही मिसमैच हो रहा है, ये नाइन को लिखना भूल गया था, नाइन बाहर निकलेगा ना भाई, ये नाइन कहाँ जाएगा, नाइन हो जाएगा, और थ्री थ्री
थ्री जा नाइन तो थ्री बाई टू ये हो जाएगा थ्री बाई टू, तभी आंसर में यहाँ पर आया है थ्री बाई टू, थ्री बाई टू टेन इनवर्स। एक मिनट, थ्री बाई टू टेन इनवर्स एक्स बाई थ्री। ओके, तो ये हो गया हमारा पार्शियल फ्रैक्शन में। मैं सोच रहा हूँ इसका एक पार्ट और आपको प्रोवाइड कराऊंगा, क्योंकि कुछ अच्छे क्वेश्चन मैं आपको कराना चाह रहा हूँ और इसमें एक स्पेशल पैटर्न है, तो उस स्पेशल पैटर्न को लेके एक पार्ट बहुत जल्दी मैं आपको और प्रोवाइड कराऊंगा। तो आज मैंने जितना क्वेश्चन आपको कराया पार्शियल फ्रैक्शन को, उसको आप अच्छे से करिए, और बहुत जल्दी इसका एक और पार्ट, मैंने सोचा था दो पार्ट में कंप्लीट कर दूंगा, लेकिन अभी मेरे को चार पाँच और अच्छे क्वेश्चन आपको देने हैं, तो उसके लिए ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो उसके लिए एक पार्ट और आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड कराऊंगा। तब तक आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। ओके, थैंक यू।